मामला बांदा कोतवाली नगर के सर्वोदय नगर का है, जहां की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपने पति को उसके प्रेमिका के साथ रंगे हाथ गाड़ी में बैठे हुए पकड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि उनके पति रात रात भर किसी लड़की से मोबाइल पर बात करते हैं और जब उन्हें मना किया गया तो मुझे स्वेच्छा से तलाक लेने के लिए कह रहे हैं और दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हैं। जिस लड़की को उसने रंगे हाथों अपने पति के गाड़ी में बैठे हुए पाया। पति पत्नी के इस हाई वोल्टेज ड्रामा की जानकारी के बाद सिविल लाइन चौकी में पुलिस ने तीनों को बैठाया, जहां पारिवारिक विवाद के होने के कारण पति को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पति प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी से अलग रहने की जिद पर अड़ा रहा। सर्वोदय नगर में क्या मामला है मैडम? हमारे पति दूसरी औरतों से घूम रहे हैं। अच्छा, कहाँ करते हैं आपके पति काम? राजकीय निर्माण निगम बांदा में। क्या नाम है इनका? आनंद कुमार। और लगभग कितने दिनों से लड़ाई चल रही है आपके बीच में? 7-8 महीने। 7 महीने। ये क्यों ऐसी लड़ाई हो रही बार बार? वही लड़कियों के चक्कर में। क्या इनके काफ़ी लोगों से अफेयर चल रहे हैं? आज आप कैसे पकड़े इनको? ये हमें रास्ते में मिल गए थे, एक लड़की के साथ गाड़ी में बैठाए जा रहे थे, दो लड़कियों को बैठाए गए। तो फिर क्या, ये वहाँ पे वो जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे पैसा खाने के लिए रुके हैं। कहाँ रहते हो? सर्वोदय नगर में। ये मामला क्या है? मामला ये है कि मेरी बहन जो है 3 साल पहले शादी हुई थी मिस्टर आनंद विश्वकर्मा से, ये निर्माण निगम में जय ही है जी। ये अक्सर लड़कियों से ज़्यादातर बात करते थे। मेरी बहन जब पकड़ती थी तो उससे कोई गाली गलौज करते थे, मारपीट भी करते थे। इन्होंने जो है लॉकडाउन के टाइम में अप्रैल में वही समथिंग 15 अप्रैल या 12 अप्रैल या कन्फर्म डेट याद नहीं है, उस टाइम जो है वो मारा पीटा था जब उसने पकड़ लिया इसी लड़की से बात करते समय। तो यहीं पर आकर के साहब को एप्लीकेशन दी गई थी चौकी विभाग साहब को सिविल लाइन में। तो ये उसके दूसरे जब साहब ने इनको हड़काया और कहा कि कायदे से रहिए तो घर छोड़कर भाग गई। इस समय तुलसी नगर में रह रहे हैं किसी दूसरे के मकान में, मेरी बहन अकेले रह रही है। जो पकड़ी गई है वो कौन है? जो पकड़ी गई है ये उनकी गर्लफ्रेंड है, सहेली जो भी हो सब जाने। लेकिन इनको कहाँ काम करती है? ये हमने वहाँ देखा, इनको प्रशिक्षण संस्थान में आज प्रशिक्षण लेने गए थे वहाँ पर दीप ढाबा के आगे प्रधानमंत्री वाले में। वहाँ से हमने इनका पीछा करते हुए आए तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर जहाँ पुराना आर टी ऑफिस है यहाँ पर ये लोग गाड़ी खड़ी करे। तो मेरी सिस्टर ने पकड़ा, जब गाड़ी में घुसने लगी जबरदस्ती तो उसने गाड़ी भगा ली, मेरी सिस्टर गिरते गिरते बची है। कई लोगों ने वहाँ पर लेकर काफ़ी भीड़ हो गई, फिर मैंने साहब को बताया, साहब ने दौड़ा के लमसम कब से चल रहा है इनके बीच में? अब ये तो कन्फर्म नहीं बता सकता कि क्योंकि कई बार पकड़ा गया दो लड़कियों को जिनको धमकी देकर उन्होंने बंद कर दिया। अभी इनका लगभग ये मान के चलिए कि क्या इस लड़की की भी शादी हो चुकी है क्या? अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं फिलहाल। ये तो सर 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।